आप विश्वास करोगे, एक ऐसा इंसान भी है जिस पर बिजली के करंट का कोई असर नहीं होता। क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने अपने कान से गुब्बारा फुलाया हो, और तो और एक इंसान ने तोप के गोले को अपने पेट से रोक दिया हो? हुआ ना आश्चर्य, इस वीडियो में आपके आश्चर्य का समाधान मौजूद है, बस देखते रहिए अंत तक। नंबर एक, मिरोस्लो मेगोला। फ्रेंड्स, ये इंसान कहने को तो एक पॉलिश आर्टिस्ट है, इनका टैलेंट गजब का है। ये किसी भी किस्म की धातु को अपने शरीर से चिपका लेने में सक्षम है। इन्हें मैग्नेट मैन कहे तो ज्यादा बेहतर है। इनका टैलेंट देखकर ही लगता है कि इनका शरीर जैसे मैग्नेट का बना हो। अनगिनत लोगों ने इनका ये मैग्नेट शो लाइव देखा है। कभी लगता है कि इनके शरीर में कोई मैग्नेट फिट है जिसकी मदद से किसी भी धातु को अपने शरीर से चिपका लेते हैं। क्या सचमुच इनके शरीर में कोई मैग्नेट फिट है या फिर कोई ट्रिक? आखिर मिरोस्लाव मेगोला ऐसा करते कैसे हैं? फिलहाल इसे गॉड गिफ्ट माना जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिरोस्लाव अपने इस अद्भुत टैलेंट से अनभिज्ञ थे। उन्हें अपनी इस अद्भुत क्षमता का पता 15 साल की उम्र में चला, और जब इन्होंने ये बात को अपने दोस्तों को बताया तो सबने इनका मजाक उड़ाया। आज उनके इस टैलेंट को देखकर दुनिया हैरान हो जाती है, और शायद आप भी। नंबर दो, रिवेलिंग। फ्रेंड्स, होठों से गिलास लगाकर एक सांस में पानी पीना कोई कमाल की बात नहीं। रिवेलिंग अपनी नाक से एक गिलास पानी बड़ी आसानी से पी जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें टैलेंट क्या है, ये तो जरा से अभ्यास से किया जा सकता है। पर दोस्तों, रिवेलिंग का असली टैलेंट यह है कि वो नाक से एक गिलास पानी पीने के बाद इसी पानी को अपनी आँख से निकाल देता है। नाक से पिया गया पानी आर्यू की आंख से एक पतली सी धार के रूप में निकलता है, और इसी पानी की इस धार से वो पर्दे या दीवार पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक इस कला का प्रदर्शन करते हुए वो मोमबत्तियों को भी बुझाते हुए दिखाई दिए। क्या बोलते हैं रिवेलिंग के इस टैलेंट के बारे में? नंबर तीन, फ्रैंक रिचर्ड। फ्रेंड्स, फ्रैंक का पेट ही उनका टैलेंट है। उनके जैसा मजबूत पेट शायद इस दुनिया में किसी और का होगा। फ्रैंक ने अपने पेट से तोप का गोला तक रोक दिया है। ये देखिए किस शान से वो पेट से तोप का गोला रोक रहे हैं, मानो उनका पेट कोई बुलेट प्रूफ पेट हो। आपको बता दें कि फ्रैंक रिचर्ड 1920 में एक मशहूर हस्ती रहे। फ्रैंक ने भी शुरू शुरू में अपने टैलेंट, अपनी क्षमता को हंसी मजाक में लिया। वो अपने दोस्तों से मजाक मजाक में अपने पेट पे घूंसे मारने के लिए कहते थे। दोस्तों ने उनके पेट पे खूब घूंसे बरसाए, पेट पे लाते मारी, एक एक करके फ्रैंक के पेट पे कूदे भी, और उनके पेट पे तरह तरह की मजबूत चीजों से वार किए। और सबके सब हैरान हो गए कि फ्रैंक का ये अजब गजब का पेट बिना उफ और आह किए बिना कैसे रह गया। अब फ्रैंक ने खुद अपने पेट को आजमाना शुरू किया। उन्होंने अपने पेट पे तरह तरह की चीजों को सहकर अपने पेट की क्षमता का अंदाजा लगाया, तो उन्होंने पाया कि उनका पेट हथौड़े के वार को भी झेल जाता है। तब उन्होंने वो कमाल दिखाया जिसे देखकर दुनिया उन्हें अजूबा कहने लगी। आपको बता दें, उन्होंने अपने पेट से तोप का गोला रोक दिया। आप क्या कहते हैं फ्रैंक के इस अद्भुत मजबूत पेट को लेकर? नंबर चार, इसाओ माची। फ्रेंड्स, ये शख्स अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता था, जिसके लिए इसने तलवारबाजी को चुना, और इसने तलवारबाजी में वो मकाम हासिल किया जो देखने वाले अपने दांतों तले उंगली दबा बैठे। फ्रेंड्स, ये तो पक्का है कि इसके टैलेंट पर आप अपने कॉमेंट में कुछ ना कुछ तो जरूर कहोगे। इसाओ माची का सबसे खतरनाक कमाल ये है कि अपनी तरफ आती बंदूक की गोली को अपनी तलवार के वार से दो टुकड़ों में बांट देते हैं। गजब की नजर, गजब की फुर्ती, गजब की टाइमिंग और गजब का टैलेंट। ये सब असंभव सा लगता है, मगर ये माची का सचमुच का टैलेंट है, और इस टैलेंट के पीछे इनके सालों की मेहनत और कड़ा अभ्यास है। आपको बता दें कि माची 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती हुई टेनिस गेंद को भी अपनी तलवार के फुर्तीले वार से काट देते हैं। हाँ, एक बात और, 2011 में माची ने मात्र 3 मिनट में सबसे ज्यादा बांस के बंबू काट कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने तमाम बंबुओं को 358 बार काट दिया। आप क्या कहते हैं माची की तलवारबाजी की कला के बारे में? कैसा लगा उनका ये टैलेंट आपको? नंबर तीन, खेमकरण कोहली। अब बात करते हैं भारतीय टैलेंट की। फ्रेंड्स, खेमकरण कोहली का टैलेंट ये है कि वे गुब्बारों को मुंह से ना फुलाकर अपने कान से गुब्बारों को फुलाते हैं। खेमकरण मुरादाबाद के रहने वाले हैं। उनका ये कान से गुब्बारे फुलाने का टैलेंट बहुत अनोखा है। मजे की बात तो ये है कि उन्हें अपने इस टैलेंट का पता इत्तेफाक से चला। हुआ यूं कि एक बार खेमकरण रात के वक्त अपने बच्चों के साथ गुब्बारे फुला रहे थे, तब उनके बेटे ने उनसे कहा, पापा क्या आप कान से भी गुब्बारे फुला सकते हो? और फिर खेमकरण ने अपने कान से गुब्बारा फुला के दिखा दिया। आज उनका ये टैलेंट बहुत मशहूर हो चुका है। आज वो इस टैलेंट से बहुत से लोगों का मनोरंजन करते हैं। आपको क्या लगता है, ये टैलेंट है या कोई ट्रिक? पर जो भी है, कमाल का गॉड गिफ्ट है। नंबर छह, राजमोहन नायर। फ्रेंड्स, इनका टैलेंट जरा अलग हटके और बहुत खतरनाक भी। जहां हमें हल्का सा भी करंट लगता है तो हम चीख पड़ते हैं और हमारी जान निकल जाती है, हम बुरी तरह कांपने लगते हैं। वहीं राजमोहन का टैलेंट है कि इन पर बिजली के करंट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई आ ऊ नहीं,
देखिए राजमोहन अपनी जुबान पे बिजली की नंगी तारों को टच करके कैसे बल्ब जला रहे हैं, जबकि इन्हें करंट का एहसास नहीं हो रहा। इनके शरीर पे टेस्टर भी रखा गया, इनके शरीर में करंट तो प्रवाहित हो रहा है पर करंट का प्रभाव उन पर जरा भी नहीं है। विशेषज्ञों ने जब इस टैलेंट की जांच की तो उन्होंने पाया कि राजमोहन का शरीर आम इंसानों से अलग है। उनका शरीर आम इंसानों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा करंट झेल सकता है। अब इस टैलेंट को आप क्या कहोगे, ये ट्रिक है या गॉड गिफ्ट? एक बात जरूरी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप या आपके बच्चे इस टैलेंट को नकल करने की कोशिश मत करना। ये एक अभ्यस्त कलाकार द्वारा किया गया है, ना कि किसी अनाड़ी द्वारा। इसकी नकल करना आपके लिए जोखिम का काम हो सकता है। नंबर 7, स्टिग सेवरनसन। फ्रेंड्स, इस स्टिग नाम के इंसान का टैलेंट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये टैलेंट, ये रिकॉर्ड उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया। आपको बता दें कि स्टिग के इस टैलेंट की बराबरी तक कोई नहीं कर सका है। स्टिग का रिकॉर्ड पानी में 20 मिनट तक अपनी सांस रोकने का है। 20 मिनट तक सांस रोकने का अभ्यास करते हुए उन्हें काफी दर्द का सामना करना पड़ा। अपनी सांस को 20 मिनट तक रोके रखने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, तब जाकर उन्होंने ये मकाम हासिल किया। नंबर 8, हादी जी अली। फ्रेंड्स, हादी जी अली अब इस दुनिया में नहीं है मगर इनके टैलेंट का चर्चा आज भी होता है। हादी जी अली 1900 की शुरुआत के दौर के कलाकार हैं जो सर्कस में लाइव अपनी परफॉर्मेंस देते थे। इनके मनोरंजन शो लंदन, पेरिस जैसे शहरों में भी हुए हैं। उनका टैलेंट था वो पानी के फव्वारों को अपने मुंह से निकालते थे, जिसके लिए वो पहले खूब सारा पानी पीते थे फिर वापस उसे फव्वारे की शक्ल में उगल देते थे। मजे की बात तो यह है कि वो पानी के बाद मिट्टी का तेल भी पी लेते थे। उनका ये अनोखा टैलेंट था, पहले वो अपने मुंह से मिट्टी का तेल उगलकर आग लगाते फिर मुंह के पानी का फव्वारा छोड़ते, उस आग को बुझा देते। है ना कमाल की ट्रिक, क्या कहते हैं आप? फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है कि उस मालिक ने सभी को कोई ना कोई टैलेंट दिया है। शर्त यही है कि उस टैलेंट को हम कितनी मेहनत से तराश के और निखार सकते हैं। क्या आपके पास या आपके घर परिवार में किसी बड़े या किसी बच्चे के पास ऐसा ही कोई अद्भुत टैलेंट है जिसे देख सुन के हमें भी हैरानी हो जाए? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, हमें बेहद खुशी होगी, साथ ही उसका टैलेंट पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, है कि नहीं? हमें दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।